आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में छठे चरण का चुनाव चल रहा है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक यह मतदान होना है। कुल 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। 676 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, वहीं अभी तक 9 बजे तक की कुल वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुकी है। आइए एक बार आपको बता देते हैं कि कुल कितने 9 बजे तक छठे चरण के लिए वोट पड़ चुके हैं। अगर बात कुशीनगर की जाए तो कुशीनगर में भी वोट पड़ चुके हैं। बलरामपुर में 8% वोट पड़ चुके हैं। सिद्धार्थनगर में 7% वोट पड़ चुके हैं। महाराजगंज में 9% वोट पड़ चुके हैं। संत कबीर नगर में 7%, बस्ती में 10%, अम्बेडकर नगर में भी 10%, देवरिया में 8.4%, वहीं बलिया में 8%, गोरखपुर में 9%। उत्तर प्रदेश में कुल 9 बजे तक 9% मतदान हो चुके हैं। छठे चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक ये मतदान चल रहा है। इसी बीच छठे चरण में 9 बजे तक कुल 9% मतदान उत्तर प्रदेश में हो चुका है। अलग अलग जिलों से हम आपको वोटिंग औसत बता रहे हैं कि कितने प्रतिशत वोट कहां पड़ चुके हैं। वही बात अगर बलरामपुर की करें तो बलरामपुर में 8% वोट पड़ चुके हैं। बस्ती में 10% वोट पड़ चुके हैं। बलिया में 8%, गोरखपुर में 9% वोट पड़ चुके हैं। गोरखपुर एक हॉट सीट भी है, मुख्यमंत्री खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सिद्धार्थनगर में 7% वोट पड़ चुके हैं। सुबह 9 बजे तक उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए कुल 9% मतदान हो चुके हैं। बलरामपुर में 8%, महाराजगंज में 10%, बस्ती में भी 10%, बलिया में 8%, गोरखपुर में 9%। वहीं अगर बात किया जाए देवरिया की तो देवरिया में 8.4% वोट पड़ चुके हैं। सिद्धार्थनगर में 7% वोट पड़ चुके हैं। कुशीनगर में 10% वोट पड़ चुके हैं। वहीं संत कबीर नगर में 7% वोट पड़ चुके हैं। महाराजगंज में 9% वोट पड़ चुके हैं। बलरामपुर में 8%। वहीं चलिए अब आपको सुनाते हैं, पहले एक बार हम आपको बता दें कि कुल उत्तर प्रदेश में 9% 9 बजे तक का कुल वोटिंग परसेंटेज है। छठे चरण का चुनाव चल रहा है। छठे चरण के लिए 9% अभी मतदान हो चुका है और हमारे संवाददाता अलग अलग जगह ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आपको पल पल की खबर पहुंचा रहे। इसी बीच चलिए हमारे संवाददाताओं ने कुछ जायजा लिया है वहां से मतदाताओं का, आइए आपको सुनाते हैं। सिद्धार्थनगर जिले में छठवें चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में वोटर सुबह से ही लाइन में लग करके अपना मतदान कर रहे हैं और इस समय हम मौजूद हैं सिद्धार्थनगर के 305 इटवा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 388 वैनिया खास विद्यालय में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मौजूदा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा अभी तक कैसे क्या व्यवस्था कराई जा रही है, चुनाव आयोग द्वारा जो गाइडलाइन है वो लोगों से कैसे फॉलो कराए जा रहे हैं। और एक बात खास जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनके द्वारा यह प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है कि जो जिले में सबसे अधिक ग्राम पंचायत वोट कराएगा उसे 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएँ यहाँ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वहनिया खास के द्वारा की गई हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि जिला अधिकारी महोदय द्वारा जो 50,000 का इनाम देने का बात हुआ है उस पाने के लिए मैं जनता से यही सिफारिश करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में वोट डाला जाए। जनता इस बार कौन से मुद्दों को लेकर के वोट कर रही है? आप ग्राम प्रधान हैं, ऐसे में क्या देख रहे हैं? जनता का मुद्दा यही है इस सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। गौ का मामला देख लीजिए, ग्राम पंचायत या विधानसभा या लोकसभा के कोई भी नेता यहाँ विकास का कोई मामला नहीं ऐसा किया है। यानी इस ग्राम पंचायत में देखा जाए तो जनता मौजूदा सरकार के बदलाव के मूड में, सरकार के बदलाव के मूड में 100% जनता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार आपके इस ग्राम पंचायत में लगभग कितने नए वोटर जुड़े हैं? लगभग 10-12 लोग होंगे। और 60 साल से ऊपर के लगभग कितने मतदाता होंगे? लगभग 15-20% 20% लोग। टोटल कितने मतदाता हैं? 1,090।
कितना तक उम्मीद है कि वोटिंग हम अधिक से अधिक हम सोच रहे हैं कि 70% 80% तक के पोल करवा दें। जितने मतदाता मौजूद हैं गांव में सब वोटिंग करेंगे, टोटल वोटिंग करेंगे। आपने सुना कि सिद्धार्थनगर की जनता का क्या कुछ मुद्दा है और किस तरह से वहां पे व्यवस्थाएं की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्रों पर आए और अपने मत का अधिकार करें। वहीं अब आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, छठे चरण के चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ अपील की है जनता से। विकास, सुशासन, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करें। आज के दिन पर कोई भी व्यक्ति, कोई दल ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि हमें सत्ता में रहने का अवसर नहीं मिला। सबको जांचा है, परखा है, अब थोड़ी सी चूक कहीं बाद में लोगों को पश्चाताप करने के लिए मजबूर न करें, इस पर हमें जरूर ध्यान देना होगा। क्योंकि यह अपने संवैधानिक अधिकार का बेहतर उपयोग भी होगा और एक बेहतर भविष्य के लिए, नीचे कर भैया, एक बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए, विकास सुशासन के लक्ष्य को, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने की हर एक मतदाता का मत एक गारंटी भी होगी और उस गारंटी के लिए ही मेरी पूरे इस छठे चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं में अपील है कि अवश्य मतदान करेंगे। ये मेरी सबसे अपील है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 बजे तक 9% मतदान हो चुका है छठवें चरण के लिए। देवरिया में 8.4% मतदान हो चुका है, सिद्धार्थनगर में 7% मतदान हो चुका है, कुशीनगर में 10% मतदान हो चुका है, बलिया में 8%, अंबेडकर नगर में 10%, बलरामपुर में 8%, महाराजगंज में 9%, संत कबीर नगर में 7%। अगर देवरिया की बात की जाए, देवरिया में 8.4% मतदान हो चुका है, बस्ती में 10% मतदान हो चुका है, बलिया में 8%, गोरखपुर में 9% मतदान हो चुका है। छठे चरण के लिए कुल सुबह 9 बजे तक 9% मतदान हो चुका है, बलरामपुर में 8% मतदान हो चुका है, महाराजगंज में 9% मतदान हो चुका है, संत कबीर नगर में 8%, वहीं बलिया में 8% मतदान हो चुका है, गोरखपुर में 9% मतदान हो चुका है। छठे चरण के लिए सुबह 9 बजे तक कुल 9% मतदान हो चुका है। कई सीटें हॉट सीट भी हैं, इस बार गोरखपुर भी हॉट सीट बना हुआ है, देवरिया भी एक हॉट सीट है, कुशीनगर भी एक हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि फाजिल नगर और तमकुही रात से दो बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। तमकुही रात से अजय कुमार लल्लू जहां से चुनावी मैदान में है, वहीं अगर बात फाजिल नगर की जाए तो फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में है। ये भाजपा के बागी नेता हैं, भाजपा छोड़ ये सपा में शामिल हुए थे। दो दिन पहले ही खबर आई थी इन पे कुछ हमले की, जिसको लेकर इनके बेटे से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। वहीं बलरामपुर में 8% वोट पड़ चुका है, सुबह 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं छठे चरण की। महाराजगंज में 9%, संत कबीर नगर में 7%, वहीं बस्ती में 10%, अंबेडकर नगर में भी 10%, देवरिया में 8.4% और बलिया में 8%, गोरखपुर में 9% मतदान हो चुके हैं। सुबह 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूपी में सुबह 9 बजे तक कुल 9% मतदान छठे चरण के लिए हो चुका है। 10 जिलों में मतदान हो रहा है, छठे चरण में 57 सीटों पर यह मतदान होगा, कुल 676 मतदाता चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर बात 2017 की करें तो 2017 में 48 सीटें बीजेपी पे गई थी, सपा पे 2 और बसपा के खाते में 5 और कांग्रेस के खाते में 1 सीटें गई थी, 2017 के ये नतीजे थे। वहीं अगर बात 2022 की जाए तो 2022 में देखना यह होगा कि कौन कितना जनता पर अपना भरोसा दिखा पाएगा, जनता किसको चुनेगी, किसको आगे 5 साल अपने विकास का मौका देगी। उत्तर प्रदेश में कुल, वही आपको बता दें कि कुल 9% मतदान हो चुका है। इसी बीच की चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर कुशीनगर से सामने आ रही है। आपको बता दें कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर,
स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को पुलिस ने लिया हिरासत में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। ग्रामीणों को लालच देकर वोट मांगने का इनके बेटे पर आरोप लगाया है। मजिस्ट्रेट की शिकायत पर पुलिस कर रही है पूछताछ। कुशीनगर के विशनपुरा थाने का यह मामला सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य पर पहले भी हमले हो चुके हैं। हमले की तस्वीरें भी सामने आई है। अब इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वही मजिस्ट्रेट के ग्रामीण को लालच देकर वोट मांगने का आरोप है इन पर। मजिस्ट्रेट की शिकायत पर पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। कुशीनगर के विशनपुरा थाने का यह मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें, फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उनके बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया। मजिस्ट्रेट की शिकायत पर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। ग्रामीणों को लालच देकर वोट मांगने की बात कही गई है, जिसके चलते पुलिस ने इनके बेटे को हिरासत में लिया है। कुशीनगर के विशनपुरा थाने का यह मामला सामने आया है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे से पुलिस पूछताछ कर रही है। लालच देकर वोट मांगने का आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे पर लगा है। मजिस्ट्रेट की शिकायत पर पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। कुशीनगर के विशनपुरा थाने का यह मामला सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनके बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वही तस्वीरें और भी दूसरी सामने आ रही है, जहां पर कई दिग्गज लगातार वोटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वही सूर्य प्रताप शाही भी अब मतदान केंद्र पहुंच गए हैं और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो मतदान करके और शाही लगी हुई उंगली उन्होंने दिखाया और यह जनता से अपील किया है कि आप सभी मतदान केंद्रों पर जाए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने मत का प्रयोग करें। 10 जिलों की 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इसी बीच कई बड़े दिग्गज भी लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच सूर्य प्रताप शाही भी मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और अब आपने देखा कि किस तरह से सूर्य प्रताप शाही मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और वही हरीश द्विवेदी, जो बस्ती से सांसद है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। बस्ती के आम जनमानस से, सभी मतदाताओं से, माताओं बहनों से, नौजवान मित्रों से मेरा निवेदन है कि इस बार पुनः आप उत्तर प्रदेश के विकास को ध्यान में रख करके, गरीब कल्याण को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करिए, जिससे पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनेगी तो जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए बनाई थी, उन योजनाओं को और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। आपने सुना कि क्या कुछ इन्होंने कहा और जनता से क्या कुछ अपील करी। लगातार कई बड़े दिग्गज मतदान केंद्र पहुंच रहे, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच सूर्य प्रताप शाही भी मतदान केंद्र पहुंचे थे, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। कई बड़े दिग्गज पहुंच चुके हैं, सुभाषपा अध्यक्ष भी, ओपी राजभर भी सुबह ही पहुंचे हुए थे मतदान केंद्रों पर। उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही। उन्होंने ये भी कहा कि बलिया में विकास का मुद्दा अहम है और यहाँ की जनता क्या कुछ चाहती है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उपेंद्र तिवारी जो मंत्री हैं, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 7 से 7:30 के बीच में ही मतदान केंद्र पहुंचे थे। जगदम्बिका पाल जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी में, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। शिव प्रताप शुक्ला भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, वो सांसद है भाजपा से।
तो कई दिग्गज चुनावी मैदान में है, बड़े बड़े जिनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इसी बीच कई दिग्गज मतदान केंद्रों पर भी पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि छठे चरण के लिए कुल सुबह 9 बजे तक 9% मतदान हो चुका है। देवरिया में 8.4% मतदान हो चुका है, बस्ती में 10% मतदान हो चुका है, बलिया में 8% मतदान हो चुका है, गोरखपुर में 9% मतदान हो चुका है, सिद्धार्थनगर में 7%, कुशीनगर में 10%, बलरामपुर में 8%, महाराजगंज में 9%, संत कबीर नगर में 7% और अंबेडकर नगर में 10% मतदान हो चुका है। सुबह 9 बजे तक कुल 9% मतदान छठे चरण के लिए संपन्न हो चुका है। छठे चरण का चुनाव अवध और पूर्वांचल क्षेत्र में हो रहा है, जहां पर बाढ़, रोजगार और कानून व्यवस्था, छुट्टा जानवर, ये सभी अहम मुद्दे हैं। सुबह 9 बजे तक कुल 9% मतदान छठे चरण के लिए हो चुका है। छठा चरण 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। कुल 676 विधानसभा प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है। वहीं अगर बात की जाए दिग्गजों की, तो कई बड़े दिग्गज खुद मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी बीच आपने सुना भी कि सूर्य प्रताप शाही भी मतदान केंद्र पहुंचे हुए थे, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जनता से अपील की कि आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वहीं अगर बात करें छठे चरण के कुल 9 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत की, तो 9% कुल मतदान अभी 9 बजे तक छठे चरण के लिए हो चुका है। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए और आप तक पल पल की चुनावी अपडेट पहुंचा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।